खुश हैं राम मंदिर बन? नहीं नहीं खुश हैं। अच्छा ये बताइए, अगर वहाँ मस्जिद ना तोड़ी जाती 1992 में तो कोर्ट का निर्णय क्या होता है? हम आपसे समझना चाह रहे हैं। मोदी जी ने जैसे कहा कि हम हर साल जो है 1 करोड़ रोजगार देंगे या 2 करोड़ कहा था, तो वो रोजगार देने की बात भी होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाती तो आपको दुख ना होता? होता नहीं होता, आप बताइए। जो हम लोगों की मस्जिद बनेंगे पूरे मुसलमान वहीं जाएंगे नमाज पढ़ने हैं। मस्जिद का सबके दुख दुख रहेगा। अब जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर? नहीं, कोर्ट ने क्या कहा, वहाँ पे मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगी। आप इसको एक्सेप्ट करते नहीं करते? भाई है क्या वहाँ पे दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई साहब? वो आगे चले जाइए, हमारे शकील भाई हैं। आप अपना नाम तो बता दीजिए, कैसे हैं? वसीम। क्या हाल चाल है? ठंडा में सही है? बस एकदम बिंदास। राम मंदिर पर क्या कहेंगे, उधर राम मंदिर का उद्घाटन? वो हमारे कमेटी के यूनियन आगे हैं। कमेटी अपना आपसे राय कमेटी के राम मंदिर बन रहा है भैया, आप उनके पास जाइए, आपका राय लेने आया है, उनके पास भी जाएंगे। आप तो हम कोई राय नहीं दे सकते इसमें, कोई नहीं दे सकते हैं। नहीं मतलब राम मंदिर के बारे में पता है, बन रहा है? हाँ बन रहा है। कैसा है, सही है? ऊपर वाले जाने कैसा है? आप नहीं देखे, बगल में तो है? नहीं हम तो नहीं देखे अभी। नहीं, उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, लोग आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कल आए थे अयोध्या को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दिए हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा हुआ। और क्या, आपकी योगी सरकार कैसी काम कर रही है? ठीक है, और क्या। हाँ, कहा जाता है कि टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, ऐसा कुछ है क्या? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, राजनीति वाले बता पाएंगे भैया। हाँ लेकिन अगर इतना भव्य मंदिर बन रहा है, एकदम करोड़ों का मंदिर है, कुछ तो आप लोग सोच रहे होंगे जिससे आपको पता चलता होगा? नहीं हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, मंदिर हम नहीं देख भैया। अभी बन रहा है तो कहाँ से देख लेंगे? फोटो वगैरह में देखे होंगे? हाँ फोटो देखे हैं। कैसा लगा? ठीक है, और क्या। ठीक है, हाँ बिंदास। और क्या, खुश है राम मंदिर बन? नहीं नहीं खुश हैं। नहीं खुश है? नहीं खुश है। क्यों? हमारी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया मंदिर। अच्छा। जी ये तो कोर्ट ने तो आपको भी जमीन दिया है, मुसलमान समाज को भी तो जमीन मिला है। कोर्ट ने दिया है, बेशक दिया है, जो कोई दुराय नहीं है जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मलाल है? बिल्कुल मलाल है, क्यों नहीं होगा मलाल, इस चीज़ का मलाल है? बिल्कुल मलाल है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया था। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आपने फैसला सुना नहीं क्या? आपने फैसला नहीं सुना, इसका मतलब फैसला में तो दिया गया था ना, राम मंदिर उनका है, आपके लिए अलग जमीन दी। हाँ फैसला ये हुआ, लेकिन आपने मुद्दा क्या था ये बताइए आप हमें। मुद्दा तो आप बताओगे ना? तो नहीं आप, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए ना मुद्दा क्या था। मुद्दा क्या था? हम आपसे पूछ रहे, आप बताइए मुद्दा क्या था। आपको मलाल है? कोर्ट ने निर्णय क्या दिया? क्या दिया था आप बताइए, हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना। आपके क्षेत्र की बात है, आप बताओ ना। नहीं निर्णय पूरे हिंदुस्तान ने सुना ना, आपने नहीं सुना निर्णय? मैंने नहीं सुना। आप बताइए, हम आपसे जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए। आप तो घुमा दे रहे हैं भाई साहब। नहीं आप घुमा रहे हैं। हमसे नाराज हैं क्या? नहीं हम नाराज किसी से नहीं है, चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही आपको? चेहरे पे तो राम मंदिर वाला हंसी नहीं है? राम मंदिर बन रहा है उसका हंसी नहीं है? ये राजनीति है मंदिर मस्जिद, ठीक है ना जी। आप पूरे अयोध्या में घूमिए, अयोध्या के एक एक कोने में जाइए, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर जो है एकता के साथ रहते हैं, ठीक है। हाँ भाई 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 है क्या वहाँ पे? दिया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। तो आपके मस्जिद में भी वहाँ लिखा हुआ था हिंदू और मुस्लिम भाई भाई? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो राम मंदिर से आप खुश नहीं हैं? नहीं आप जो है टारगेट कर रहे हैं हमें, इसलिए हम खुश नहीं है। टारगेट हम नहीं कर रहे, हम चाहते हैं दिखाना कि राम मंदिर भव्य तरीके से जो बन रहा है भाई, उसमें मुस्लिम समाज आखिरकार क्या सोचता है, क्या भाईचारा की बात करता है, या फिर उन्हें इस चीज का दुख है कि हमारा मस्जिद को साइड किया गया, ये हम दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल मलाल रहेगा। अच्छा ये बताइए, अगर वहाँ मस्जिद ना तोड़ी जाती 1992 में तो कोर्ट का निर्णय क्या होता? हम आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर वो ढांचा वहाँ खड़ा होता तो कोर्ट का निर्णय क्या होता, बताइए आप। तो बड़े बड़े जज जानेंगे। नहीं आप भी तो कुछ जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, आप ये बताइए मुझे। मैं तो यही जान रहा हूँ कि कोर्ट ने फैसला सुनाया, लंबित मामला। कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया? क्या सुनाया? जिसकी जहाँ जमीन थी उसको दी गई। जिसकी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्या सुना? कोर्ट ने क्या कहा आप बताइए ना। आप हमसे पूछ, मैंने तो बताया, सुना नहीं सुना ये बताइए। हिंदुओं को भी जमीन दी गई, मुसलमानों को भी जमीन दी गई मस्जिद को लेकर के। बिल्कुल ज़मीनें दी गई, लेकिन हम निर्णय आपसे जाने, कोर्ट ने निर्णय क्या दें आप बताइए ना। आपके जानकारी में क्या है? हमारी जानकारी में है, आप हम आपसे सुनना चाह रहे हैं, ये बताइए आप। जी मस्जिद कोर्ट का फैसला क्या था, हम ये समझना चाह रहे हैं आपसे। कोर्ट का लंबा चौड़ा फैसला इतना बताएंगे तब समझ में आएगा।
बिल्कुल समझ में आएगा, बताइए आप। आप क्या जानते हैं? नहीं, कोर्ट ने क्या कहा, वहाँ पे मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएगी, आप इसको एक्सेप्ट करते नहीं करते? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा वहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जी आपने सुना नहीं सुना ये निर्णय? मोदी सरकार ने मतलब कोर्ट को कह दिया कि गलत जमीन। भाई आस्था की बुनियाद पे फैसला हुआ, आपको भी मालूम है ये बात। आस्था की बुनियाद जी, ये आपका। और कोर्ट ने ये भी कहा कि वहाँ पे जो मूर्ति रखी गई थी चोरी से वो भी गलत था, जिन लोगों ने मंदिर गिराया वो भी गलत था। आपने फैसला आप सुनिए, दोबारा रिपीट करके सुनिएगा आप इसको। जब सब गलत था तो फिर मंदिर कैसे बन रहा है? भाई आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों को मंदिर की जगह दी गई, हमारे लिए मस्जिद की जगह दी गई, हम इससे खुश हैं। लेकिन फैसला जो हुआ आस्था की बुनियाद, आप हिंदू भाई भी कह रहे हैं उधर कह रहे हैं मंदिर बन रहा है दुख है। नहीं, हमारी मस्जिद जो गिराएगी उसका दुख है, मंदिर बन रहा है उसे हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी मस्जिद को गिराया गया इससे हमें दुख है। बाबर का मस्जिद था। किसने कह दिया बाबरी मस्जिद? तो नाम से क्या होता है, मस्जिद बाबर थी जी। बाबर कहा जा रहा, आक्रंता थे भाई। आपने कोर्ट का फैसला, मतलब आपने नहीं सुना है, आप जाकर के दोबारा कोर्ट का फैसला उसको रिपीट करके सुनिए पहले जी। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मोदी सरकार ने हिंदुओं को खुश करने के लिए फैसला सुनवा दिया? मोदी सरकार का कोई हाथ ही नहीं है, फैसला तो कोर्ट ने दिया है ना। आप फिर कह रहे कि आस्था ये सेंटिमेंट आस्था की बुनियाद पर फैसला किया ना, इसमें मोदी सरकार का कोई हाथ ही नहीं है बिल्कुल। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लोगों से बातचीत कर। आप फैसला दोबारा रिपीट करके सुनिए कोर्ट जी जी क्या दिया है, लोगों से बताइए। मैं तो आपका ओपिनियन पूरा भाई, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया ने सुना है, हमारे ख्याल से आपके नॉलेज में नहीं, उसको दोबारा रिपीट करके सुनिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं? सब कुछ करेगा, बात करने दीजिए। बात नहीं कर रहे। हाँ, अरे हो गया, कैसे हैं? ठीक है, चल रहा है सही? हाँ, सब बिजनेस सही चल रहा है, और क्या। राम मंदिर पर क्या कहेंगे, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, राम मंदिर जो बन रहा है ठीक ही बन रहा, कोई गलत थोड़ी बन रहा, उसमें कहने वाली कौन सी बात है भाई। जिसकी सरकार है उसी का बोलबाला है, सरकार उसी का बोलबाला, और क्या। इसकी सरकार है? अरे योगी चाचा और मोदी चाचा हाँ है तो उन्हीं लोगों की तो सरकार है, कि किसी और की सरकार है भैया। क्या लगता है, कहीं ना कहीं 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है? हाँ, 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, क्या सोचते हैं? तो वो बना है तो उद्घाटन तो होगा ही, ना बनता तो नहीं उद्घाटन होता। क्या लगता है, कोर्ट ने यह फैसला सुनाया मंदिर बना या मोदी ने अपने सरकार? क्या कहा, मतलब ये कोर्ट ने फैसला सुनाया उसको लोग मान रहे हैं या फिर मोदी सरकार ने अपने सरकार में हिंदुओं को खुश करने के लिए गिफ्ट दिया? अब चाहे वो कोर्ट ने फैसला करा हो चाहे मोदी ने फैसला करा हो, अब वो बन गया तो बन ही गया, और उसमें ना कोर्ट कुछ कर सकता है ना मोदी कुछ कर सकता है, बन तो गया राम मंदिर, उसमें कोर्ट का क्या जिम्मेदार। उद्घाटन हो रहा है तो खुश है ना राम मंदिर? हाँ, तो हम लोग नाराज कहाँ है, हम लोग नाराज कहाँ है, बिक्री बढ़ जाएगी और क्या, डेवलपमेंट होगा। हाँ, बिक्री बढ़ जाएगी, सेब अनार बहुत कायदे से बिकेगा। और एक चचा है उनसे बात कर लेते हैं, अरे थोड़ा सा बात कर लीजिए। कि नाम तो कुछ नहीं नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बता इसके बारे में, इतना भाईचारा वाला नहीं भैया, लोग कुछ नहीं बता मैं राजनीति वाली बात, राजनीति मंदिर बन रहा है। मंदिर बन रहा, अच्छा बन गया, ठीक है, क्या यही तो बात हो गया, ठीक है, अच्छा है, खुश है ना सब समाज, सब सब लोग खुश है सब। अच्छा, आपके मस्जिद में लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा। हाँ हाँ, हिंदू समाज के लिए कहीं ना कहीं आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है, भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, उसको 22 जनवरी उद्घाटन होगा। हाँ तो ठीक है, करें भाई, हम लोग का कोई इतराज थोड़ी है, उसमें करते नहीं, करें भाई, हम लोग कोई इतराज थोड़ी है भैया, वही तो जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम लोग कोई इतराज नहीं है, करें। योगी सरकार कैसे? सब ठीक कर रहे हैं, मोदी योगी सब अच्छा कर रहे हैं। कल आए थे अयोध्या? हाँ आए थे, अपना मालूम हुआ आए थे, ठीक है। एयरपोर्ट का भी उद्घाटन? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, हो गया, जहाँ जाएंगे सब रोजगार बढ़ेगा, इससे कई ट्रेनें उन्होंने चलाई हैं, वंदे भारत ट्रेन है, और जो है ट्रेनों का सौगात जी जी, तेजस ट्रेन है, और भी ट्रेनें जो चलाई हैं, प्लस एयरपोर्ट बनेगा, लोग आएंगे, इससे व्यापार बढ़ेगा। आप क्या काम करते हैं? हम यही ठेले लगे बेचते हैं।
तो टूरिज्म बढ़ेगा, जब भव्य मंदिर बनेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट होगा? हाँ, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। लेकिन आप थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। नहीं, हम काहे नाराज होंगे भैया, हम काहे नाराज होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद वहाँ थी, तो उसका थोड़ा सा हमें दुख है। हाँ, दुख तो सबको है भाई, वो तो मस्जिद ही मस्जिद का सबके दुख दुख रहेगा। अब जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर? लड़ी हमारे अकाबरीन जैसे जमीयत उलमाए हिंद है और भी लोगों ने, उन्होंने जो है केस लड़ा। देखिए, केस होता है कि एक की जीत एक की हार तो होती है भाई, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोगों ने कोशिश की, जो आखिरी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनका फैसला मान्य है, हम लोगों ने वहाँ तक लड़ा, ठीक है। बाकी फैसला जो आया उसका स्वागत करते हैं हम भी। मस्जिद का भी नींव रखाया है सर? अभी रखा नहीं गया, रखा जाएगा। जी जी, वो भी एकदम भव्य तरीके से बनाया जाएगा। बात यह आ रही कि रमज़ान के पहले उसकी नींव रखी जाएगी, प्लस उसके अंदर हॉस्पिटल है और कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। मस्जिद में ये सब बनाया जाए? नहीं, मस्जिद के मतलब जो जगह दी गई उसमें सुनने में तो ये आ रहा है कुछ जगह और खरीदी गई हैं, तो मस्जिद जो है वो एक कैंपस टाइप में बनाया जाएगा। बाकी उसके अलावा जो ज़मीनें बचेंगी वहाँ पर, जो है सुनने में ये बात आ रही है आप लोग के माध्यम से कि वहाँ पर मीडिया में चल रही खबरें कि एकदम बहुत सुना है, जो हम लोगों की मस्जिद बनेंगे पूरे मुसलमान वहीं जाएंगे नमाज पढ़ने हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो है दोनों चीज़ें बनेंगी, अस्पताल भी सुनने में आ रहा बनेगा और कॉलेज भी बनेंगे, तो इससे जो है जहाँ तक ये हो सकता है कि कौम का फ़ायदा है। और सबसे आप लोग का प्रसिद्ध मस्जिद कौन सा है, सबसे जो प्रसिद्ध मस्जिद है कहाँ यहाँ की हल है आप लोगों का? हाँ, मक्का की तरह इसको बनाया जाएगा? हाँ, दबल सुनने में आया है कि जो वहाँ मक्का के इमाम हैं वो यहाँ पर आएंगे, जो है नमाज पहली नमाज वो पढ़ाएंगे। ये बात पक्की नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। अब मान लीजिए आप लोग का मस्जिद बन रहा है तो हिंदू समाज तो कुछ नहीं कहेगा, आप कह देते हैं कि दुख है, ये गलत है। अच्छा ये बताइए, अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जाती तो आपको दुख ना होता? होता नहीं होता, आप बताइए। मुझे तो दुख नहीं होता, मैं तो एक पत्रकार हूँ। नहीं, पत्रकार हैं, आपकी भी कोई आस्था है? अभी बराबर है, हिंदू समाज ही बराबर है, मुस्लिम ही बराबर है। क्या आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी कुछ आस्था है या नहीं है? आस्था जब प्रोफेशन काम पे हम है तो हमारे लिए आप भी उतना ही प्यारा है जितना वो धर्म प्यारा है। अब जैसे आप यहाँ पे पास सामान लेने आ रहे हैं तो क्या आपके पास मुस्लिम समाज आएगा तो आप उसको 5 रुपये कम दोगे, हिंदू आएगा तो ज़्यादा दोगे? बराबर ही, क्योंकि वो आप काम कर रहे हो। सही है, पहले वो आपके घर चले जाता आप उसको फ्री में दे दोगे? तो और जाएंगे उद्घाटन में? हम लोग कहाँ जाएंगे उद्घाटन में भैया, देखे हैं फोटो वगैरह? फोटो वोटो नहीं देखो, बुलाया जाएगा जिसको न्योता जाएगा वो जाएगा ना। तो सर, अब जब से फारूक अब्दुल्ला जो है वो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, हिंदू जो मानने वाले हैं उनके भी हैं, मुसलमानों के भी है, सबके हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक ये है कि फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए शिक्षा पे, ठीक है ना, शिक्षा को जो उसको डेवलप किया जाए, रोज़गार बढ़ाया जाए। मोदी जी ने जैसे कहा कि हम हर साल जो है 1 करोड़ रोज़गार देंगे या 2 करोड़ कहा था, तो वो रोज़गार देने की बात भी होनी चाहिए। रोज़गार नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है पढ़े लिखे जो है वो बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फल बेच रहा है। पढ़े लिखे हैं? हम इंटर करे हुए हैं भाई, मेरा एक भाई है वो बीटेक इंजीनियर है। जी चलिए चचा, अंतिम रूप में कुछ कुछ कह दीजिए। नहीं नहीं, हम कुछ कहेंगे, अब जो के बात कर लिया तो घर तो लिया उसने। नहीं ना, यही भाई कि देखिए यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है जैसे पहले था, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, सिर्फ ये पॉलिटिक्स है बस। सही है, मंदिर जो बनाया गया पॉलिटिक्स? नहीं, मंदिर के ऊपर नहीं कह रहे हम पॉलिटिक्स पे, गवर्नमेंट का जो काम है वो लड़ाओ और जीतो, ये है। सिविलियन आपस में जो है वो मिलजुल के रहना चाह रहे हैं। हमारे अयोध्या में जो है गंगा जमनी तहजीब जिंदा आज भी यहाँ पे जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है।